हॉकी इंडिया की वार्षिक आम बैठक राजधानी रांची के मरंग गोमके स्थित जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में की गई, जिसमें हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की, महासचिव भोलानाथ सिंह समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस आम बैठक के बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि पिछले एक साल में हॉकी इंडिया में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने महिला और पुरुष दोनों टीमों के परफॉर्मेंस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दोनों टीमें बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। दिलीप तिर्की ने कहा कि रांची में लोगों में हॉकी को लेकर क्रेज दिख रहा है, ऐसे में भविष्य में भी रांची में कई इंटरनेशनल इवेंट कराने के बारे में हम सोच रहे हैं। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा कि हम हर घर हॉकी, घर घर हॉकी के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इससे बड़ा टूर्नामेंट आपका जनवरी में 13-19 जनवरी हम करा रहे हैं, वर्ल्ड क्वालिफायर ओलंपिक क्वालिफायर, उसमें आपका वर्ल्ड का बेस्ट टीम आपके यहाँ आ रहा है, एशियन चैंपियन करा रहे हैं आप, वर्ल्ड क्लास का टूर्नामेंट आपका 13-19 जनवरी तक ही स्टेडियम में आयोजित हो रहा है, जिसमें बेस्ट ऑफ 3 टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी। एशियन गेम इतना बड़ा आयोजन होता है, उसमें 1 टीम क्वालिफाई करता है, ये जो आपके यहाँ आयोजन हो रहा है इसमें 3 टीम क्वालिफाई करेगा, तो अभी तुरंत करा रहे हैं। अब आने वाला भविष्य में भगवान हमको, हॉकी इंडिया को, हम सबको स्वस्थ रखे, टूर्नामेंट होते रहेगा। जब दर्शकों का इतना प्यार है, स्नेह है, हाँ मैं उन दर्शकों से माफी चाहता हूँ, स्टेडियम की क्षमता कम है, जो बाहर में परेशान हुए हैं, वहाँ से लौट के घर गए हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, उन लोगों को माफ़ी चाहता हूँ, आप सभी मेरे लिए प्यारे हैं, मैं इस विषय में बहुत जल्द सरकार से। एक सालों में हॉकी गेम मेरे ख्याल से काफ़ी एरियाज में, काफ़ी क्षेत्र में काफ़ी इम्प्रूव किया है, काफ़ी डेवलप किया है, और मुझे आपको बताते हुए काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है कि आज हॉकी इंडिया में जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं, हॉकी इंडिया काफ़ी मेहनत करे इसके पीछे, और कई ऐसे एरियाज में काम किया जो कभी पहले हुआ नहीं था। देखिए कुछ वर्षों में, अभी लास्ट ईयर हम इसी साल में हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जूनियर हमारे जो इंडियन बॉयज एंड गर्ल्स एशियन कप में गोल्ड मेडल जीते, और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, और उनको मेरे ख्याल से कैश अवार्ड भी हम दे रहे हैं 2-2 लाख और स्टाफ को भी। उसके साथ साथ एशियन चैम्पियन ट्रॉफी तक देखिए, मेंस एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में चैम्पियन हुए थे, और एशियन चैम्पियन ट्रॉफी वुमेंस का परफॉर्मेंस आप ही देख ही रहे हैं, अभी हमारे जो वुमेंस लड़कियाँ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं सेमीफाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हालांकि ओलंपिक्स में, सॉरी एशियन गेम्स में जिस हिसाब से टीम के स्टैंडर्ड है उस हिसाब से परफॉर्म कर नहीं पाए थे, यदि अभी जिस हिसाब से खेल रहे हैं, यदि वही परफॉर्म करते एशियन गेम्स में, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं था गोल्ड मेडल मिलने का। तो हालांकि वहाँ